देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग अलग वो तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियाँ इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहाँ पर ड्रॉप करने के केस हैं। उस शाम को जब ये एयरफोर्स के एयरफील्ड पे अटैक हुआ जिसमें दो बॉम्ब गिराए गए, आईडी जो वहाँ पर फटी और जिससे नुकसान हुआ, उसी रात को हम लोगों ने एक रेडीमेड आईडी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी, जो आगे क्राउडेड जगह के ऊपर प्लांट करनी थी, वो आईडी पकड़ी गई। और उसमें पूछताछ के दौरान यही आइडिया लग रहा है कि इस तरह की लश्कर तौबा की प्लान्स थी कि कहीं जहाँ पर किसी वाइटल इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए। हम लोग बाकी जो इसके एस्पेक्ट हैं उसको अभी देख रहे हैं।